Sir, sir, please. सर 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 साइड पे सर सर राइट 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 अन्ना साइड पे ब्रदर को सेलफोन सेलफोन ब्लू शर्ट किशोर अन्ना अन्ना ने लेंटा डाला अपनी तरफ आई सर 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 लुक हियर अन्ना सर दिस साइड सर नहीं बेटर रहा है नहीं करो सर अन्ना ने लेंस मुंडू को तुम्हारा कैमरा सर को चेयर चिंता दिखा ना In 2014, we handled 10 million passengers, and now, come 2017, by the end of this year, we'll... and hence, with this tremendous growth, it is very difficult to expand the facilities in the same time frame. So, what we have been doing is bringing technology and innovation to increase the throughput and efficiency. And I should thank Government of India, Ministry of Bureau of Civil Aviation Security, and DGCS who are the major stakeholders to have readily agreed for the airports to come out with new ideas, new innovation. And this journey, sir, started back, where we started pilot projects with the commission of DKSCS, distance really hand-carrying campaign, which has become a reality after the OPC program was taken. Our airport is the first airport where even all the passenger crossing is being done using digitalization. This is one airport where there are no talking of buildings. And when this change is happening, we should commend the CSR security forces who have embraced this technology, who are open with implementing new pilot projects. And today, if you see all our CSR people in Hyderabad Airport, they are very apt in doing the e-handling of passengers. में काफ़ी ग्रोथ हुआ है और पैसेंजर्स का जो टेक ऑफ हुआ है उसके कारण ये देखा गया है कि भारी मात्रा में पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। ये केवल ग्लोबल फेनोमेना नहीं है बल्कि इंडिया में भी इस तरह का हुआ है और सारे एयरपोर्ट जिसमें हैदराबाद एयरपोर्ट खास तौर से वो है कि जहां इस वर्ष हैदराबाद एयरपोर्ट लगभग 18 मिलियन लोगों को एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कराएगा और उनका एक्सपीरियंस होगा। इस मद्देनज़र रखते हुए हमेशा ये चैलेंज होता है CISF के लिए भी और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए भी कि किस प्रकार हम सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए पैसेंजर्स को एक एफर्टलेस और सीमलेस तरीके से हम उनको ले जाएं। तरह तरह के उसमें प्रयोग किए गए हैं। ये पहला प्रयोग है पूरे देश में जो हैदराबाद एयरपोर्ट ने इस प्रकार की व्यवस्था शुरू की है, आज शुरू करने जा रही है। उस व्यवस्था के अंतर्गत ये है कि कोई भी हैंड बैगेज से जो चल रहा है पैसेंजर, जिसमें उसकी संख्या लगभग 40% है, वो सीधे बिना चेक इन एरिया जाते हुए, बिना उसके गए हुए, वो यहाँ से सिक्योरिटी चेक इन करा सकता है। उसकी फ्रिस्किंग होगी CISF के द्वारा और अंदर वो एरिया में जा सकता है।
इस तरह हम 60% लोगों को ही केवल चेक इन एरिया में जाने देंगे और 40% हमारे लोग जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनका एक डिफरेंट अनुभव होगा। उनका अनुभव इस प्रकार होगा कि वो बहुत जल्दी ही इस सिक्योरिटी के माध्यम से अंदर जा सकेंगे और ये फास्टर जो लेन होगा वो इस प्रकार भी फायदेमंद होगा क्योंकि जो चेक इन एरिया में जो पैसेंजर्स जाएंगे उनके लिए भी वहाँ पर भीड़ कम होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इस प्रकार का एक अनूठा प्रयास है, एक अनूठा इनोवेशन है जो हैदराबाद एयरपोर्ट ने किया है और इसे हर एक एयरपोर्ट में लागू किया जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हैदराबाद का ये जो प्रयोग है वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और हैदराबाद के जो पैसेंजर्स जो हैदराबाद एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे बिज़नेस का, ट्रेड का और आईटी का एक बहुत बड़ा हब है, इस प्रकार के पैसेंजर्स जो 40% हैंड बैगेज लेकर चलते हैं उनको वेटिंग टाइम में, उनको ट्रैवल करने में और भी सुविधा होगी। इसलिए मैं बधाई देता हूँ हैदराबाद एयरपोर्ट को और उनके CEO को मिस्टर किशोर को कि उन्होंने इस प्रकार का इनोवेटिव सिस्टम लागू किया है जो बहुत ही फायदेमंद होगा। आज से वो व्यवस्था लागू हो रही है और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इन्होंने और भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि और भी बहुत सी चीज़ें करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में या 1-2 सालों में हैदराबाद एक बहुत ही अच्छे एयरपोर्ट का, जिसका नाम न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में होगा, इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। बहुत ही मॉडर्न टेक सैवी फोर्स है जो कि मल्टी डायमेंशनल है। हमारे जितने भी CISF के हमारे जवान्स लगे हुए हैं वो देश के सभी इकोनॉमिक सेक्टर में लगे हुए हैं, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी हो या स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो। अभी हमने बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को भी, जिसमें रिलायंस और इन्फोसिस है, उसको हमने सिक्योरिटी देना शुरू किया है। हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम किसी भी सेक्टर को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। जैसे एविएशन सेक्टर में हम पिछले 17 साल से हैं और उस 17 साल में हम इनकी रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम अपने सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये जानते हैं कि पैसेंजर्स को बिना तकलीफ दिए हुए उनकी सुरक्षा किस प्रकार की जाए और यही कारण है कि जब वर्ल्ड में कोई रेटिंग होती है तो CISF का जो एविएशन सिक्योरिटी ग्रुप के रूप में है उसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा होती है और हम प्रोमिनेंट एयरपोर्ट से भी बहुत अच्छे हैं और हम बहुत ही पैसेंजर्स को सेफ और सिक्योर करते हैं। कर्टसी और हेल्पफुलनेस में हम बहुत ज़्यादा हैं और इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें CISF अव्वल दर्जे की है। CISF की एक और विशेषता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हम लोगों ने शुरू किया है। हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो एयरपोर्ट में हो या अन्य जगहों में हो, हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अच्छे अच्छे मॉडर्न गैजेट्स लगाकर हम वो करते हैं। अभी हम लोगों ने गैजेट्स के माध्यम से ही हैंड बैगेज टैग में स्टैंपिंग हटा दिया है। आपको मालूम होगा कि 13 एयरपोर्ट्स पे हम लोगों ने बिल्कुल हटा दिया है, जिसमें हैदराबाद भी एक है और अभी 6 अन्य एयरपोर्ट्स में भी हम उसको हटाने जा रहे हैं। इस प्रकार 19 एयरपोर्ट्स में हम इस महीने के अंत में कर देंगे और बाकी वर्ष के अंत तक हम 59 एयरपोर्ट जो हमारे अधीन है, हम उसकी सिक्योरिटी कवर दे रहे हैं, 59 एयरपोर्ट में हम ये व्यवस्था पूरी तरह हटा देंगे। बाकी आने वाले ऐसे कई चीज़ें हैं, जैसे हमने मैन पावर रिडक्शन की भी बात की कि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स पे कम खर्च हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि पैसेंजर्स जो हैं वो कम पैसे में, कम खर्चे में ट्रैवल करें और इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो चार्जेस है, उनकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम हो। तो इस प्रकार CISF हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिक्योरिटी फेल प्रूफ हम कैसे सिस्टम लागू करें ताकि पैसेंजर्स को, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को और सभी स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और हमारी ग्लोबल इकॉनमी में हमारी एक पकड़ हो सके और इंडियन इकॉनमी बढ़ती जाए।